हाय गाइस, एम्पावर ऑफ ब्लाइंड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। गाइस, आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप अपने कंप्यूटर से पूरी तरह से किसी भी जॉज के वर्जन को रिमूव कर सकते हैं। अगर आप पूरी तरह से अपने कंप्यूटर से जॉज को रिमूव नहीं करते हैं, आप सही से अनइंस्टॉल नहीं करते हैं, तो आप अगर कोई नेक्स्ट वर्जन का जॉज या कोई नया जॉज इंस्टॉल कर रहे हैं, तब आपको कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसलिए आपको जब भी अपने कंप्यूटर में एक नया जॉज इंस्टॉल करें या फिर और भी हटाना चाहते हैं, तो उसे कंप्लीट और उसके सभी कंपोनेंट्स, उसके सभी फाइल्स को अपने कंप्यूटर से हटाना चाहिए। तो आइए चलते देखते हैं इसे हम कैसे हटाएंगे। सबसे पहले आपको इसे हटाने के लिए अपने कंट्रोल पैनल में जाना होगा। आप अपने कंट्रोल पैनल में जाने के लिए विंडो बटन प्रेस करके वहां पर कंट्रोल पैनल टाइप कर सकते हैं, या फिर आप रन डायलॉग बॉक्स में कंट्रोल टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने रन डायलॉग बॉक्स ओपन किया और यहाँ पर मैं कंट्रोल टाइप करूंगा। CONTROL मैंने कंट्रोल टाइप किया और एंटर करूंगा। Control, enter, desktop, folder view, list view, recycle bin, 6 of 9. To move to items, use the arrow keys. To edit the selected item, press F2. उसके बाद यहाँ पे आपको एक सर्च का आइकन दिखाई देगा या सर्च बार दिखाई देगा। Category button, search box edit, type of text. तो ये सर्च बार है। आपका बाय डिफॉल्ट जैसे ही कंट्रोल पैनल ओपन करते हो तो आपका कर्सर सर्च बार में ही रहता है। तो यहाँ पे अनइंस्टॉल प्रोग्राम या प्रोग्राम्स लिखोगे तो ऑटोमेटिक अनइंस्टॉल प्रोग्राम आपको दिखाई देगा। जैसे कि यहाँ पे मैं अनइंस्टॉल लिख देता हूँ, तो ये सजेशंस में मुझे ऐसे ही मिल गया अनइंस्टॉल प्रोग्राम। तो इस पे मैं एंटर की प्रेस करता हूँ। Folder view, list view, not selected, Freedom Scientific, FS Reader 3. अब इसके अंदर आपको selected, folder view, list view, Freedom Scientific, JAWS, Freedom Scientific. अब इसके अंदर आपको J के नाम से यानी JAWS के नाम से कोई भी फाइल नहीं मिलने वाली है। यहाँ पे आपके वो सभी एप्लीकेशन शो कर रहे होते हैं जो आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में इंस्टॉल रहते हैं। तब यहाँ पे J मैं प्रेस करता हूँ। J. देख लीजिए, आप J के नाम से कुछ भी नहीं है। तो आप जॉज को बट आपको अनइंस्टॉल करना है तो आपको F दबाना होगा, क्योंकि इसे फ्रीडम साइंटिफिक कंपनी बनाती है। तो फ्रीडम साइंटिफिक OCR है, तो आपको कौन से वाले फ्रीडम साइंटिफिक पे एंटर करना है ताकि आपका पूरी तरह से जॉज रिमूव हो जाए। तो अभी इस वाले पे तो करना नहीं है। फ्रीडम साइंटिफिक ओमनी पेज, इस पे भी नहीं करना है। फ्रीडम साइंटिफिक टच सर्वर, इस पे भी नहीं करना है। फ्रीडम साइंटिफिक USB कैमरा, तो इन सभी पर नहीं करना है। जिसपे मैं अब आपको बताने वाला हूँ उसी पे आपको एंटर करना है, तभी आपका पूरी तरह से सभी फाइल्स रिमूव होंगे। Freedom Scientific Video Accessibility, Freedom Scientific FS Reader 3.0, Freedom Scientific JAWS 2022, Freedom Scientific 4/21/2022. तो आपको सुनाई दिया Freedom Scientific JAWS 2022। तो आपका कोई भी वर्जन होगा तो उस पे लिखा होगा Freedom Scientific JAWS 2021, Freedom Scientific JAWS 2020, Freedom Scientific JAWS 2019, Freedom Scientific JAWS 2018, Freedom Scientific JAWS 17. तो जो भी वर्जन होगा तो ये अगर आपको सुनाई दे, इस पे आपको एंटर की प्रेस करना है। उसके बाद आपके यूजर अकाउंट के कंट्रोल की परमिशन मांगी जाएगी, तो आपको यहाँ पर यस करना है Alt Y या टैप करके। तो मैंने ये कर दिया। अब उसके बाद एक और विंडो आपके initializing कर रहा है। हो सकता है कि कुछ versions में ये ना करे। Welcome to the JAWS uninstall. Select options, then press enter to begin. If another version of JAWS or other Freedom Scientific products are installed, some functionality could be disabled by removing shared components. तो ये कह रहा है कि आपको एक option select करना है। तो यहाँ पे आप tab की press करेंगे। Leaving user settings will not harm your computer. Remove user settings checkbox not checked. तो remove user settings, तो आप इसे चेक कर दीजिए स्पेस बार से। इसका मतलब होता है जो सेटिंग्स किए हुए हैं वो सभी सेटिंग्स हट जाएंगी। Uninstall button to activate. Press leaving user settings will not harm your computer. Remove user settings checkbox checked. A clear checkmark. Press. तो इसको मैंने चेक कर दिया और इस पे यहाँ भी एक और चीज लिखी है कि इससे आपके कंप्यूटर में कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो ये अच्छी बात है।
तो उसके बाद अनइंस्टॉल का बटन आ रहा है, इस पे आपको एंटर करना है। इससे क्या होगा, जब अगर आप चेक कर देते हैं तो आप जो नया जॉज इंस्टॉल करेंगे उसमें उस जॉज के अकॉर्डिंग सेटिंग होगी, या जो उस जॉज में बाय डिफॉल्ट आ रहा होगा उसके अकॉर्डिंग होगा, ना कि इस जॉज के अकॉर्डिंग होगा। कभी कभी आप देखते होंगे जब आप जॉज अपना इंस्टॉल कर दे अनइंस्टॉल करते हैं, नया करते हैं, तो उसमें भी सेम वही प्रॉब्लम हो जाती है। आप सोचते हो कि यार क्या यार साला लग रहा है मेरा कंप्यूटर ही खराब है, लोगों के इतने अच्छे चलते इतना अच्छा बोलता है, मेरे में क्या हो जाता है। तो जो ऐसी फीलिंग और ऐसी समस्या आती है इसी के कारण आती होगी कि आपका ही नहीं बेकार है, आप ये करते ही नहीं हो। तो हो सकता है कुछ वर्जन में ये वाला ना है, कुछ में आता है शेयर कंपोनेंट, तो शेयर कंपोनेंट पे टिक करके अनइंस्टॉल करना है, कुछ में ये वाला आएगा तो इस पे आपको स्पेस बार करके अनइंस्टॉल पे एंटर करना है। तो प्रोग्रेस बार 0% जॉज अनइंस्टॉलिंग हो रहा है, और आप ये बीप साउंड जो आ रहा है ये आप सुन पाएंगे। तो अभी ये बीप साउंड आपको सुनाई दे रहा होगा और ये जॉज अनइंस्टॉल हो रहा है। तो हम अभी इसका वेट करते हैं ये कंप्लीट होने का 100%। जैसे ये 100% हो जाएगा उसके बाद आपका सिस्टम क्या मांगता है वो आपको मैं अभी बताने वाला हूँ कुछ ही समय में। तो ये बस रिमूव हो ही रहा है कुछ ही समय, तब तक के लिए मैं अपना NVDA ऑन कर लेता हूं ताकि कुछ चीजें आपको मैं अपडेट दे सकूं, अगर ऑन हो जाए तो शायद हो जाएगा। तो मैंने अपना NVDA को ऑन कर लिया है आपको, तो जॉज अन इंस्टॉल हो रहा है। NVDA settings, browse mode, normal configuration, dialog, browse, JAWS uninstall window, progress bar 95, 100, close button. तो ये JAWS uninstall हो गया है शायद. JAWS uninstall window, system collapse space, the JAWS uninstall was completed successfully. Press escape to cancel, license agreement link, I accept the license agreement, checkbox not checked, status, progress bar 100, if another version of JAWS or other Freedom Scientific products are installed, some functionality could be disabled by removing shared components, remove shared components, checkbox not checked, remove shared components, leaving user set. तो remove shared component not check है, तो इसे मैं अभी check कर रहा हूँ. Programs and features, folder view list, Freedom Scientific JAWS 2022, publisher, Freedom Scientific FS Reader 3. तो ये यहाँ से हो गया है, हो सकता है आपका कंप्यूटर रिस्टार्ट करने के लिए मांगे तो आप वहाँ से अभी नो कर दीजिएगा। Restore and available PC with XR. अब यहाँ से आपको डेस्कटॉप पे आ जाना है, आप अपना रन डायलॉग बॉक्स ओपन करना है या फिर अपने दिस पीसी के फाइल मैनेजर या फाइल्स में चले जाना है। अब यहाँ पे आपको सी कॉलन यानी आपको सी ड्राइव में जाना है, सी कॉलन लिखने के बाद एंटर करना है। अभी मैं अपने सी ड्राइव में आ गया, यहाँ पे आपको पी दबाना है और प्रोग्राम फाइल्स में जाना है। तो ये प्रोग्राम फाइल्स आ गया, इस पे आपको एंटर की करना है। अब यहाँ पे आपको F की दबाना है, अगर फ्रीडम साइंटिफिक के नाम से अगर कोई भी फोल्डर है तो उसे आपको डिलीट कर देना है। फ्रीडम साइंटिफिक नाम का एक यहाँ पे है फोल्डर, तो इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। Delete folder dialog no button, yes button, null block, program files, items view list, discovered 932 items, 187 MB, preparing to recycle from program files, discovered 932 items, 187 MB, grouping, continue with automatic administrator, skip button, null, continue with automatic administrator, rights button. तो automatic administrator का right दे देता हूँ, क्योंकि ये एक जरूरी फाइल से डिलीट हो रही है, बट इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। मैं उस सॉफ्टवेयर की फाइल को डिलीट कर रहा हूँ जो ऑलरेडी मैंने अनइंस्टॉल कर दिया है। Secure desktop. तो यहाँ पे यूजर अकाउंट को यस कर देते हैं। 1397 items recycled. Recycling 2796 items from program files. 1397 items recycled. Grouping. Cancel button. तो ये डिलीट हो रहा है, बहुत सारी फाइलें हैं, लगभग शायद 1000 ऐसा कुछ था। Try again button. Null dialog. Cancel button. Try again button. Null dialog. Folder new. Recycling 2796 items from program files. 2794 items recycled. Grouping. The action can't be completed because the folder or file in it is open in another program. Close the folder or file and try again. Freedom. Cancel button. Try again button. Null. Cancel button. Program files. Item view list. Freedom Scientific 3. Google 4. Freedom Scientific 3 of 22. तो यहाँ पे शायद अभी कुछ जॉब्स का कोई ऐसी चीज है जो ओपन है, इसलिए डिलीट करने नहीं दे रहा है, बट आपको पूरी तरह से सारी चीजें क्लोज करके रखनी है। Item view list. Program files. x86. अब उसके बाद आ जाना है Program files at 86. इस पे भी एंटर करना है। Item view list. उसके बाद यहाँ पे देख लेना है कोई F
के नाम से, फ्रीडम साइंटिफिक के नाम से तो नहीं है, तो ये फ्रीडम साइंटिफिक के नाम से इसको भी मैं डिलीट करता हूँ। और मैंने डिलीट की, यस करना, कंटिन्यू करता हूँ, और इसको भी मैं यस करता हूँ। Skip button, alt, alt, S. Pause the operation program files, x86, Google file 23F, Freedom Scientific 423F. तो यहाँ पे जो अभी Freedom Scientific है, देख लेता हूँ, जॉब्स का क्या ओपन है, तो नहीं करने दे रहा है। Task recording, 0 program files, x86, recording, 0 program files, x86, recording, 0 1030 program files, x86, program files, x86, items new list, Freedom Scientific 423. हाँ, तो अभी से मैं, items new list, program files, restore and close C, task bar. यहाँ से अब बाहर आ गया, अब हो सकता recording. है, ice cream screen recorder C, recording, ice cream screen record, folder view list, recycle bin 5, recording, ice cream screen record, folder view list, recycle bin 5 of 8. तो अब यहाँ पे मेरा कुछ भी नहीं बचा है, जो अभी मेरा डिलीट नहीं हो रहा था। अब जैसे ही सिस्टम को रिस्टार्ट करूंगा, कुछ ऐसे शेयर कंपोनेंट्स होते हैं जो ऑलरेडी अभी रन कर रहे हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैं कंट्रोल में आया और folder view list, F Freedom Scientific FS Reader 3.0, F Freedom Scientific JAWS Training Table of Content, F Freedom Scientific Docker 32, Publisher. ये जो Freedom Scientific OCR वगैरह दिखाई दे रहे हैं, ये सब अभी जैसे हम सिस्टम को रिस्टार्ट करेंगे, सब कुछ हट जाएगा। तो यहाँ से अभी इसको मैंने क्लोज कर दिया, और उसके बाद जब आपका रिस्टार्ट कंप्यूटर कर लेना, उसके बाद जब ऑन करना, ऐसे रन डायलॉग बॉक्स करके आपको रिसेंट आइटम्स को डिलीट कर देना है। रिसेंट लिखना है, उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल ए करके सिलेक्ट ऑल करेगा और डिलीट कर देना है। अभी मेरे में कुछ है ही नहीं है, इसलिए रिसेंट में डिलीट नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से, तो अभी मैं यहाँ पर अपने डेस्कटॉप पे आ गया हूँ। तो इस तरीके से आप अपने कंप्यूटर में पूरी तरह से जॉज को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर करना वीडियो को, और फ्रेंड के साथ में शेयर जरूर करना। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखे हैं, वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही मजेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलती है। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।